फास्ट समाचार की खबर का हुआ असर। मड़ीखेड़ा में वार्डों में पानी सप्लाई हुई शुरू। नगर पालिका अध्यक्ष ने किया धन्यवाद। शिवपुरी शहर में पिछले दो दिनों से ठप पड़ी मड़ीखेड़ा लाइन से पानी सप्लाई का काम फिर से शुरू हो गया और ये सब संभव हुआ फास्ट समाचार पर खबर चलने के बाद। दरअसल सोमवार की सुबह fastsamachar.com ने शहर में पानी सप्लाई और सफाई व्यवस्था ठप अध्यक्ष ने सीएमओ पर लगाए शहर में उधम कराने का आरोप नामक शीर्षक से खबर प्राथमिकता के साथ प्रकाशित की थी, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया था, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जिला कलेक्टर ने सीएमओ को मड़ीखेड़ा लाइन से शहर के वार्डों पानी सप्लाई का निर्देश दिया। कलेक्टर के निर्देशों का तुरंत असर देखने को मिला और शहर के वार्डों में मड़ीखेड़ा लाइन से पानी की सप्लाई शुरू हो गई। इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष ने फास्ट समाचार की टीम को धन्यवाद दिया है। सुनिए क्या कहा नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने और देखिए शिवपुरी से ऋषि गोस्वामी की स्पेशल रिपोर्ट। पूर्व भी एक खबर प्रकाशित हुई थी फास्ट समाचार पर सफाई और उसको लेकर नल को लेकर, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? अभी दो दिन से विगत 8 तारीख की शाम को सीएमओ से एक विवाद हुआ था मेरी 27 नंबर की पार्षद सुमन बाथम का जी। वो विवाद इतना बढ़ गया कि हमको थाने तक जाना पड़ा। उसी विवाद को लेकर सीएमओ साहब ने मणिखेड़ा का पानी बंद कर दिया, जो कि पूरे शहर में आता है। पूरे शहर में पानी बंद हो जाने से पब्लिक में हड़कंप मच गया। मुझे पता चला कि पानी बंद कर दिया सीएमओ ने, तो मैंने तुरंत कलेक्टर साहब को आवेदन के द्वारा अवगत कराया और कलेक्टर साहब ने तुरंत आदेश दे के सीएमओ को पानी खुलवाया। अभी 3 घंटे पहले मैंने फास्ट समाचार को ये न्यूज दी कि हमारे यहाँ पानी की ऐसी ऐसी समस्या हो गई है। ये फास्ट समाचार वालों ने इतनी जल्दी इस समाचार को चलाया पब्लिक के अंदर कि 3 घंटे के अंदर पूरे शहर में पानी फिर से मिलने लगा। मैं ऐसे समाचार पत्रों को, ऐसे फास्ट समाचार पत्र को साधुवाद धन्यवाद देती हूँ और ऐसे न्यूज चैनलों को साधुवाद धन्यवाद देती हूँ जो जनता की आवाज़ को इतनी जल्दी से उठा के और जनता का काम आसान करें। धन्यवाद।